भारत एट नाइन काविंद्र चौहान के साथ। राजेश सिंघल नाम है, बीजेपी से संभल में है और इस बार चुनावी मैदान में कदमताल कर रहे हैं। कदमताल करते करते हाथ जोड़कर वोट मांगने की परंपरा जो दरअसल चुनावी माहौल में हमको देखने को मिलती है, लेकिन राजेश सिंघल ऐसे नहीं है। राजेश सिंघल धमकी देकर वोट मांगने की परंपरा पर शायद ज्यादा यकीन रखते हैं। हालांकि वो यकीन रखते हैं कि नहीं रखते हैं उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन आपको बता दूं कि राजेश सिंघल हमारे साथ जुड़े थे, लेकिन अभी बताया जा रहा है कि राजेश सिंघल के भाई जो हैं उन्होंने कहा है कि हमारे भाई इसका जवाब देंगे, आपके सवालों का जवाब जो है उनके भाई देंगे। उनके भाई का नाम है कपिल सिंघल, हमको बताया गया है। तो उनके भाई राजेश सिंघल के भाई कपिल सिंघल हमारे साथ आज स्क्रीन पर होंगे। कपिल सिंघल को स्क्रीन पर लीजिएगा, उनसे सवाल जवाब शुरू करते हैं। कपिल सिंघल साहब, सर चुनाव कैसा चल रहा है? चुनाव कैसा चल रहा है सर? चुनाव बढ़िया चल रहा है, एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा है चुनाव। हमें सभी जाति धर्म से वोट मिल रहा है। ठीक है, सभी जाति धर्म से वोट मिला, लेकिन दरअसल सर आपका कुछ वीडियो देखिए, बहुत खुलकर बात करेंगे आज। कपिल जी आपके भाई है राजेश जी, उनका एक वीडियो भी कल सामने आया है, तो लोग ये बोल रहे हैं कि आप जैसे अलग अलग जगहों पर हम देख रहे हैं कि हाथ जोड़कर वोट मांग रहे हैं लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमको वोट दीजिएगा, लोग अपने काम गिनवा रहे हैं कि हमको वोट दीजिएगा, लेकिन हमको तो ऐसा लग रहा है कि आप धमकी देकर वोट ले रहे हैं। हमने कोई धमकी नहीं दी किसी भी कार्यकर्ता को, ना ही कोई धमकी दी है। आपने आपके ये जिसके भी चैनल के माध्यम से वो दिखाया गया, तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया, हमने किसी भी कार्यकर्ता को हम हाथ जोड़कर सबसे निवेदन करके भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वोट मांगा है। ठीक है, नहीं एक वीडियो हमने देखा है जिसपे कहा जा रहा है कि होमगार्डों की जैसी हालत हो जाएगी, तो होमगार्डों की जैसी औकात हो जाएगी। समाजवादी वाले गुंडे हैं उनके लिए बोला गया है, ना कि किसी कार्यकर्ता ना कि किसी वोटर के लिए बोला गया। नहीं, होमगार्ड तो एक बकायदा एक पेशा है, तो होमगार्ड जैसी हालत हो जाएगी, होमगार्ड जैसी औकात हो जाएगी। नहीं ऐसा नहीं बोला गया है, जो वीडियो प्ले कर दूंगा सर, यही बोला गया है, यही वर्डिंग्स है कपिल जी कि होमगार्डों की जैसी हालत, दोबारा सुन लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, होमगार्ड जैसी हालत हो जाएगी, होमगार्ड जैसी औकात हो जाएगी, तो इस पर थोड़ा स्पष्टीकरण कर दीजिए, क्योंकि काफी होमगार्ड जो है वो सवाल उठा रहे हैं बार बार, वो कह रहे हैं कि हमारी हालत हमारी औकात, क्या कहना चाह रहे हैं आप? हमारा एक एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता निस्वार्थ भाव से जो है काम कर रहा है और भारतीय जनता पक्ष के पार्टी के पक्ष में जन कल्याणकारी की योजनाएं जितनी भी हुई है, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो सिख हो ईसाई हो, सबको जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिला। उसी लाभ के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी को संबल से भारी तादाद में वोट मिला है और संबल से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी संबल से विजयी होगा। जी ठीक है कपिल जी, ये बताइए कि अगर आप विजयी हो जाते हैं तो ये बात स्पष्ट है ना कि होमगार्डों जैसी हालत नहीं होगी? नहीं नहीं कुछ ऐसी कोई बात नहीं है, एक एक कार्यकर्ता का मान सम्मान होगा और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबके प्रयास से भारतीय जनता पार्टी की सन 2014 में केंद्र में और 2017 से यूपी में सरकार चल रही है। ठीक है, होमगार्ड वाली बात पर माफी मांगेंगे आप? नहीं, होमगार्ड नहीं, होमगार्ड वाली बात पर आपको मेरा आवाज मिल रही होगी, आप ये बताइए होमगार्ड वाली बात पर माफी मांगेंगे आप? क्योंकि होमगार्ड काफी नाराज हो गए, वो कह रहे हैं कि आप औकात हैसियत जैसे वर्ड्स यूज कर रहे हैं। आप अंशुल जी म्यूट को हटा दीजिए, आपने म्यूट कर दिया उसको। कपिल जी आप म्यूट को हटा दीजिए। हाँ मैं ये कह रहा हूं कि होमगार्ड वाली बात पर माफी मांगेंगे आप? मेरी आवाज आ रही होगी आपको, ये बताइए होमगार्ड वाली बात पर माफी मांगेंगे आप? देखिए ये समस्या है, ये प्रॉब्लम है, बिल्कुल फ्रेम से मत हटाइएगा, फ्रेम मरी रखिएगा। तो पहले म्यूट कर लिया गया था, अब मैं पूछ रहा हूं तो जवाब नहीं आ रहा है। तो कपिल सिंघल साहब तो सबसे पहले तो म्यूट कर गए, फिर बोले कि आवाज नहीं आ रही है, फिर कई अलग अलग तरह के पैंतरे दिखाए, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि आखिर वो गए क्यों। तो ये समस्या होती है कि जब नेताओं को लगता है कि वी आर हेयर टू एंटरटेन देम, लेकिन जब उनसे सवाल पूछ ले जाते हैं, सवाल इसलिए पूछे जाते हैं कि आज जब होमगार्ड, जब देश के होमगार्ड ये पूछ रहे हैं कि एक विधायकी का प्रत्याशी आज ये कहता है भरे मंच से कि वो होमगार्डों जैसी औकात होमगार्डों जैसी हैसियत नहीं होने देंगे अगर वो उनको वोट देंगे, तो धमकी देते हैं, होमगार्डों की हैसियत औकात की बात करते हैं, और जब इनसे पूछे जाते हैं सवाल तो ये जवाब होते हैं। जवाब क्या होता है? सबसे पहले म्यूट, देन जस्ट गो अवे, यूं गायब हो गए।
तो हमारा उन्होंने फोन काट दिया है, उनको एक बार फिर कॉल करने की कोशिश करेंगे। ये फोन है, इससे हम कॉल कर रहे हैं उनको। ये देखिए, आपके सामने कॉल कर रहे हैं उनको। इस फोन को क्लोज करेगा तो देखिए, फोन काट दिया कपिल साहब और फोन काट कर चले। तो ये समस्या है कि जब सवाल करेंगे तो फोन काट के ये भाग जाएंगे, जबकि मैंने इनसे साफ कहा था कि आप आज यहां से माफी मांग सकते हैं, लेकिन फोन काट के वो भाग।